गाइस आ चुका है भाई एनिमल के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई डे नंबर 18 यानी कि मंडे का क्या एडवांस चल रहा है अभी तक, एंड ये भी देखिए भाई अभी तक कितना बिजनेस हो चुका है और क्या भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे क्या नंबर था भाई 480 करोड़ बिफोर डंकेलीज मेरे भाई। तो क्या भाई अभी तक ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है या फिर हम थोड़ा पीछे रह सकते हैं? अगर ऐसा हुआ मेरे भाई 480 करोड़ के आसपास गया तो समझ लो 500 करोड़ हिंदी में तो भाई गया, पर उससे पहले भी इसने कई सारे मेरे भाई रिकॉर्ड्स हैं वो क्रिएट किए हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार एनिमल को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी गाइस ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ऐसा नहीं मिल पा रही। मतलब 500 करोड़ गाइस निकालना क्वेश्चन और कुछ भी नहीं चल रहा है भाई, कोई बात नहीं कर रहा भाई एनिमल की, ये सब क्या हो रहा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है ओनली बस। चलो गाइस लेट्स सी गाइस पैसों नंबर्स देख लेते हैं। 8 करोड़ 85 लाख की फिगर आई थी मेरे भाई 15वें दिन की, जो कि गाइस 16वें दिन की कल की फिगर आई है 12.80 करोड़ की, 12 करोड़ 80 लाख की फिगर आई है। एंड टोटल ऑफ ओवरसीज की कल की फिगर आई है 4.47 करोड़ की भाई, 4 करोड़ 47 लाख की, काफ़ी बढ़िया बिजनेस किया मेरे भाई इसने ओवरसीज में भी। एंड टोटल ऑफ अभी तक नंबर्स हो चुके हैं भाई इंडियन एट ऑल ऑफ लैंग्वेज में 500.79 करोड़। तो फाइनली भाई इसने 500 करोड़ नंबर्स है मेरे भाई वो पार कर लिया ऑल ऑफ लैंग्वेज में, और ये बॉलीवुड की चौथी मूवी है भाई जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया या फिर 500 करोड़ का आंकड़े को टच किया है। इससे पहले जवान, पठान, गदर 2 एंड नाउ दिस टाइम भाई एनिमल, ये एक मेरे भाई बड़ी उपलब्धि है। और चारों के चारों मूवीज गाइस 2023 को ही रिलीज हुई हैं और ये रणवीर के लिए गाइस एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे भाई। 500 करोड़ नंबर्स निकाला गाइस ये 23 से पहले तो समझ लो कि नामुमकिन नहीं था भाई यार, 500 छोड़ो 400 भी निकाल देती तब भी बड़ी बात आती थी उस टाइम पे। अब 400 से लेके 500 करोड़ के बीच में भाई बॉलीवुड की कोई भी पिक्चर नहीं है भाई जो समझो 400 करोड़ से ज़्यादा गया, वो मतलब 400 लेके 500 करोड़ के बीच में रुकने का नाम ही नहीं लेता मेरे भाई, वो डायरेक्ट 500 करोड़ पर ही जाए, जो कि मेरे भाई एनिमल ने भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। जो कि हिंदी का है 451.29 करोड़, तो इसने 16 दिनों में 450 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया, जो कि इससे पहले ये रिकॉर्ड जवान के पास था जो फास्टेस्ट 13 दिनों में उसने 450 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया था। गैप तो भाई अच्छा खासा दिया जवान ने, नो डाउट अबाउट मेरे भाई। बट चलो ये एक A-rated पिक्चर थी, ये एक रणवीर कपूर की पिक्चर थी भाई, SR का कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे भाई। एंड टोटल ऑफ नंबर्स अभी तक इंडिया क्रॉस की बात करूँ 596.18 एंड ओवरसीज 221.20 करोड़, 220 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज से बिजनेस आ चुका है। एंड वर्ल्ड वाइड में 817.36 करोड़ का आज भाई मेकर्स ने पोस्टर दिया था मेरे भाई। तो गाइस ये रही टोटल ऑफ फिगर डे नंबर गाइस 16 तक की, जो गाइस ये बड़ी फिगर है भाई, ह्यूज नंबर है भाई, 800 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करना एंड वो भी 500 करोड़ से ज्यादा ऑल ऑफ लैंग्वेज में, हिंदी नहीं भाई ऑल ऑफ लैंग्वेज में नेट प्रोडक्शन करना, वो भी गाइस एक बॉलीवुड पिक्चर भाई, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई, ह्यूज नंबर है। हाँ उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही जितनी मिलने चाहिए थी, जितनी इसकी बातें होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, ये पता नहीं क्या सीन है मेरे को नहीं पता। बट जो एक पिक्चर कोई 500 करोड़ निकालती है गाइस तो एक बड़ा सा जश्न होना चाहिए मेरे भाई, बड़ा सा जश्न, क्योंकि ऐसा मेरे भाई नहीं दिख रहा है। एंड आज कितना आ सकता है भाई, कहीं ना कहीं आज देखो भाई ये 14 करोड़ के आसपास बिजनेस करने की कोशिश करेगी ऑल ऑफ लैंग्वेज में, उम्मीद करते हैं मेरे भाई उससे ज़्यादा जाए, थोड़ा कम भी आ सकते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच भी है और पता नहीं भाई कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो इवनिंग की किस तरह कमेंट से निकल के सामने आएगी, नाइट के शोज हैं गाइस वो किस तरह के रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे नाइट के शोज गिरेंगे ऑब्वियसली, बट इवनिंग के शोज देखना दिलचस्प होगा। तो गाइस अभी कौन सा टाइम है, 4:30-5 बजे टाइमिंग चल रहा है भाई, इस टाइम पर बताना कि कितना बिजनेस आ सकता है गाइस ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे भाई आज के दिन। चलो हम इतना पकड़ते हैं, मैंने कल भी 12-13 करोड़ के आसपास बताया था, जो कि मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वैसे अब एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे भाई कि कितना नंबर्स आ सकता है। एंड अभी कितना हुआ भाई 451 हुआ है, तो इसमें हम 13 करोड़ पकड़ते हैं डायरेक्ट गाइस हिंदी का, ठीक है ये हो जाएगा भाई 465 करोड़। भाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने बोला था कि संडे क्लोज 465 करोड़ के आसपास हो जाएगा, बिल्कुल भाई ऐसा ही हुआ है। मेरे को कई सारे कमेंट किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, संडे क्लोज 480 तक जाएगा, मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, यार मैंने प्रेशन बताई इतनी थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, 480 करोड़ के आसपास नहीं जा सकता भाई संडे क्लोज, जो कि मेरे भाई ऐसा हुआ भी है। और 465 करोड़ के आसपास आगे क्या चाहिए मेरे भाई, 15 करोड़ और 3 दिन है भाई, 5 करोड़ की एवरेज से मेरे भाई इसको बिजनेस निकालना है मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, और मंडे को किसी भी हालत में भाई 7 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 7 करोड़ के आसपास आना चाहिए, फिर क्या होगा ट्यूजडे को और नंबर्स गिरेगा 5.5 से 6 भी आ सकता है, जो कि वेडनेसडे को
5 करोड़ से नीचे भी आ सकता है। डे वाइज भाई नंबर्स गिरेगा। अब देखते हैं मेरे भाई आने वाले जो फ्यू डेज है, वर्किंग डेज है, वो किस तरह के रहते हैं। एंड मुझे अभी भी फुल ऑफ उम्मीद है, फुल ऑफ चांसेस है कि ये मूवी यार 500 करोड़ हिंदी में करके जाएगी। और भाई अभी जो अब यहाँ पे खड़ी है तो भाई 500 करोड़ इसको करना भी चाहिए यार, सीरियसली गाइस करना भी चाहिए। देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। देखो ये इजिली कर लेती है अगर डंकी यहाँ डंकी और सलाह नहीं आती, बट डंकी सलाह शोज की खुद फाइट चल रही है उनकी, एंड शोज यार काफ़ी ज़्यादा चले जाएंगे, फिर नंबर्स निकला थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ सैटरडे संडे फिर भी एक है यार, कम भी शोज होंगे फिर भी अगर हाउसफुल गए तो अच्छे खासे नंबर्स मेरे भाई आ सकते हैं। तो वैसे गाइस इसमें आप सभी का भाई क्या कहना है मुझे नीचे बताना भाई कमेंट सेक्शन में, कि आपको अभी भी उम्मीद है कि 500 करोड़। गाइस मुझे पूछो कि मेरे को फुल ऑफ उम्मीद है। हाँ अगर आप ये पूछो कि 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, गाइस ये मैं बोलूँगी नहीं यार मुश्किल है भाई, 1000 करोड़ तो नहीं आ सकता यहाँ से। फिलहाल गाइस अभी के लिए उतना ही। एंड हाँ मैंने भाई एडवांस बुकिंग नहीं बताई, ऑलमोस्ट गाइस 22 लाख के आसपास एडवांस हुआ भाई कल के लिए, 22 लाख के आसपास बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। बट अभी टाइम भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये बड़ा टाइम रहता है जिसमें अच्छा खासा एडवांस रहता है। वैसे एडवांस हम ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, चलो हम इतना पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गाइस ये 1 करोड़ प्लस तो एडवांस जाएगा, उससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर 1 करोड़ के आसपास गए तो 6-7 करोड़ कल इजिली आ सकता है मेरे भाई। तो नो गाइस सभी के लिए उतना ही। एंड आई होप सभी को भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी ऐसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए।